अंदाजा था मुझे, लेने आओगे अपना बचा कुचा सामान, उठाओ अपना ये सामान और निकल जाओ यहां से। तो सामान लेने नहीं आपसे बात करने आया? मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे फजल बख्श, मैंने कहा अपना सामान उठाओ और जाओ यहां से। आप गलत समझ रहे हैं सर। सर मैं हूं शिवराम। मेरी बेटी का नाम मत लेना अपनी जुबान से, हैसियत देखिए अपनी। अरे हो क्या तुम, हाँ क्या सोच लिया तुमने अपने बारे में, हाँ प्यार से बात कर ली तुमसे, घर में रहने को जगह दे दी और तुम पता नहीं क्या ख्वाब देखने लगे। अपने आप को तो देखा होता, अपनी औकात का ख्याल किया होता कुछ। जाओ यहां से बस। सर मेरी नीयत कभी खराब नहीं थी शिब्रा को लेकर। नीयत ही तो जान नहीं सका मैं तुम्हारी फजल बख्श, तुम्हारी भोली सूरत से धोखा खाया मैंने, तुम्हारी चिकनी चपड़ी बातें बस इनमें आ गया मैं, यही गलती की मैंने। और मेरा है तमाहत, मैं कह रहा हूं तुमसे, तुम ये सामान उठाओ और जाओ यहां से। अरे जाओ, खड़े मुंह क्या देख रहे हो। ठीक है सर। जा रहा हूं सर, लेकिन पलट के वापस जरूर आऊंगा। सर जहां तक औकात और हैसियत का सवाल है, फरहाद की दो तौलियों की फैक्ट्री से उससे कई आगे खड़ा हूं सर मैं, इखलास और फकीरी की राह पर। और आपने कहा था ना सर, वो फकीरों की सुनता है, मेरी तो सुन ही लेगा। आप अपना ख्याल रखिएगा सर, अगर मैंने तकलीफ पहुंचाई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे।